संबंधों की मधुरता के लिए मधुर संभाषण करें, यानी हित मित प्रिय वचन बोले। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे होममेड खाकरा। तो देखिए, ये जो गुजराती स्टाइल खाकरा है, ये हम घर में किस तरीके से बनाएंगे आज हम देखते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं ये, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता, ऑयल फ्री होते हैं, एक अच्छा नाश्ता होता है। इसको हम मल्टी ग्रेन से भी बना सकते हैं, और गेहूं के आटे और चने के आटे से तो बनते ही हैं। तो आपकी जैसी इच्छाओं आप वैसे बना सकते हैं। देखो, इसे बनाने के लिए हमें मेनली चाहिए 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी चने का आटा, 1 चम्मच के करीब हमें जीरा चाहिए साबुत, अजवाइन चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्ची जो दरदरी कुटी हुई होगी, और उसी के साथ हमें चाहिए ऐसे ग्रीन चिली फ्लेक्स। तो या तो ग्रीन हो या रेड हो तो भी चलेंगे, या फिर आप हरी मिर्ची को दरदरा पीसा हुआ पेस्ट भी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका इसमें टेस्ट और कलर आता है। इसके साथ ही हम इसमें चाहिए घी या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आप मोयन के लिए डालते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें मोयन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका मोयन कम रहेगा तो थोड़े से कड़क बनेंगे खाकरे, और बहुत ज़्यादा भी होगा तो भी वो आपके खाकरे अच्छे नहीं बनेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सेंधा नमक हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद यदि आप इसमें फ्लेवर वाले अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हरी मटर ले सकते हैं, हरा चना ले सकते हैं, लेकिन सबको आपको महीन ग्राइंड करना है, या फिर आप हरी मिर्ची बस यही पीस कर और लाल मिर्ची डाल सकते हैं, यानी हमारा पूरा मसाले वाला खाकरा। तो देखिए, मैं आज आपको 2-3 तरह से खाकरे बनाना बता रही हूँ कि इसमें हम किस किस तरीके के मसाले वाले बना सकते हैं। तो जब हम मटर के मसाले के बनाएंगे तो उसमें हम ऊपर से पहले पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने पीसते समय थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ना, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के हमने एकदम चिकना गोल बनाया है, तो बिल्कुल इस तरीके से ये हमारा गोल बन जाएगा। इसमें हमने कलर नहीं डाला है, नेचुरल हमारी ग्रीन मटर है इसलिए इसका कलर एकदम ग्रीन आया है। इसमें आटा हमारा थोड़ा सा कम लगा है, और देखिए हम सारे ही खाकरों को इस तरीके से आटा जो उसका हम पलेथिन लगा के एकदम पतला बेलेंगे। आप देख सकते हो ना, मेरा हाथ नीचे से दिख रहा है आपको कि कितना पतला बेला है। तो इतना पतला बेल के हम उसे हमारे जो लोहे का तवा है मोटा वाला, उसके ऊपर हम इसको पलट पलट कर सेक लेंगे। देखिए, इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के सेकेंगे। हम चाहें तो इसे सूखा भी सेक सकते हैं बिना घी या तेल से, और अगर चाहें तो इस पर थोड़ा सा घी लगा के सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसको हम जब घी लगाएंगे तो कपड़े से नहीं दबा कर पोंछेंगे, और ना ही लकड़ी के आप जो गुट्टा होता है हमारा पराठा सेकने का, उससे हम कर सकते हैं, या फिर आप कोई हमारी कटोरी या ऐसी कुछ भी बर्तन आप ले सकते हो चौड़े वाला, उससे आप इसको दबा के कर सकते हो। एक हम सिर्फ जीरा वाले खाकरे बनाएंगे, जिसमें हमने आटे में सिर्फ जीरा डाला है और अजवाइन डाली है, नमक, इसके सिवा हमने कुछ और चीज़ें नहीं डाली है इसमें, तो ये हमारे प्लेन खाकरे बन जाएंगे। यदि आप इसमें अलग अलग फ्लेवर के बनाना चाहते हैं, उसमें आप मल्टीग्रेन डालना चाहते हैं तब वो भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा बेसन ज़्यादा डालना सकते हैं तो आप बेसन के भी बना सकते हैं जो थोड़े से येलोइश आएंगे। लेकिन बस जब हम खाकरे सीख जाएंगे, सीखने के बाद हमें उसमें तुरंत ही कोई भी मसाला डालना है। जैसे यदि आपने पानी पूरी के बनाए तो उसमें आपको पानी पूरी का मसाला डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसमें जो मसाले डालना चाहें वो डाल सकते हैं। पानी पूरी का मसाला भी हम घर में ही शुद्ध जैन जो बनाते हैं वही डालना है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो हमने खट्टे पानी की रेसिपी बताई है उसमें मसाला हमने बनाया है, तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर कोई जीरामन डाल सकते हैं, खट्टा जीरामन या लाल जीरामन। देखिए, हमारे गेहूं के और बेसन वाले मसाले वाले खाकरे हैं, और इसे आप देख रहे हो कितना पतला बेलना है। और देखिए, अगर इसमें जब हमारे आसपास की किनारे इस तरीके से टूटी टूटी आती है ना, तो ये अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए हम इसको एक प्लेट, जो हमारी धार वाली प्लेट होती है, उसके भी आप इसको इसे कट कर लेंगे तो ये एकदम एक जैसे आएंगे। या फिर आप जैसे ज्वार के या मक्की के बनाएंगे तो उसमें भी आपको सिर्फ थोड़ा सा ही मक्की का या ज्वार का आटा डालना है, जितना हम बेसन डालेंगे गेहूं के आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तो उसके भी थोड़े से हमारे फट जाते हैं, तो आप उसको भी इस तरीके से प्लेट से कट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से सब आप पहले बना के रख लीजिए, मैंने ऐसे बना के रख लिए, और फिर आप इसको जब सीखना चालू करेंगे तब एक साथ आप इसको सीखते रहिए। तो देखिए, इसको हमने, आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी इसमें बारीक बारीक मसूरी आ रही है ना, जो फूल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे हमारे ये सॉफ्ट बनने वाले हैं।
तो आप इस तरीके से इसको पहले थोड़े थोड़े से ही सेक सेक के रख लीजिए। आपने देखा मैंने कैसे दो दो तीन तीन बार पलट कर इसको निकाल के अलग कर लिया है। इस तरीके से हम सबको कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सेक के पहले रख लेंगे, तो इससे क्या इसका कुरकुरापन भी बहुत अच्छा आता है और थोड़े से जल्दी भी बन जाते हैं। एक बात और आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जब हम इसको खाकरा मेकर मशीन में बनाते हैं तो उसमें नॉन स्टिक प्लेट होती है, जो हमारे जैन शुद्ध व्यंजन में यूज़ नहीं होती है, इसलिए हम मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और तवे पे ही हमारे बहुत अच्छे से ये खाकरे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इन सबको ऐसे फैला लिया है बना बना के, और इसके बाद हम सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये हमारे ऐसे बन गए हैं। तो इन सबको हमारी आपने देखा हमने सारे पहले बना के रख लिए, अब इसको हम कर लें। देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं बना रहे, क्योंकि हम आपको एक बात और बता दें कि खाकरे की मर्यादा मात्र 12 घंटे की है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे खाकरे बना लें और एक महीने दो महीने तक उन्हें खाते रहिए, क्योंकि हम जैन शुद्ध व्यंजन अभक्ष्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करते हैं, मर्यादा में ही हर चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो जो हमने ये खाकरे बना के रखे हैं, अब इनको हम सारे एक साथ रख के भी हम तवे पे सेक लेंगे। तो देखिए आपने देखा मैंने एक साथ सबको रख लिया है और इस तरीके से दबा दबा के हम इसको सेक लेंगे। देखिए इसमें हम अगर सब में एक एक परत के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर एक साथ सारी परतें रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सेक जाएंगे, पर बस तब आप कपड़े का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने अभी घी नहीं लगाया है इसलिए मैं कपड़े को रख रही हूँ। फिर भी इसमें से जो हम अंदर हमारा मोइन डला है उसमें से अंदर से घी बहुत निकल के आता है सिकने के बाद, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका हाथ वगैरह ना जल जाए। गरम थोड़ा सा होता ही है, तो इसको आप इस तरीके से पलटाते जाएं और जो भाग हमारा नीचे रहेगा उसको हम बार बार पलटते जाएंगे, और जो हमारे सिक जाएंगे कड़क हो जाएंगे उनको हम अलग भी करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जल्दी एक साथ बन जाते हैं और अच्छे नरम भी रहते हैं, तो इस तरीके से आप भी सेक सकते हो इनको। हम बात कर रहे थे मर्यादा की, तो जैसे हमारी रोटी की मर्यादा 6 घंटे की होती है वैसे ही ये भी रोटी है, तो इसे हमने सिर्फ कड़क किया है, पानी का अंश इसका निकला है, इसलिए ये हमारा पराठे की ही तरह मर्यादा वाला हुआ। जैसे पराठे की मर्यादा 12 घंटे की होती है वैसे ही हमारे इस खाकरे की मर्यादा भी 12 ही घंटे की रहेगी, इससे ज़्यादा बासी हमारे अभक्ष हो जाएंगे, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं बेसन वाले खाकरे, नमकीन खाकरे। इन सब खाकरों के ऊपर हम पहले थोड़ा सा हमारा शुद्ध घी लगाएंगे, उसके बाद जो भी मसाला आप लगाना चाहते हैं, लाल जीरा मन, खट्टा जीरा मन, वो लगाने के बाद हम मूंगफली के दाने की चटनी, आपको रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वो चटनी जो उसे मसाला भी बोलते हैं खाकरा मसाला, तो आप वो डालें तो उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा, या फिर अलग अलग वेजिटेबल का भी बना सकते हैं। देखिए अभी हम बनाते हैं एक और खाकरा, थोड़ा सा मीठा वाला बनाएंगे नारियल से। आप इसको नमकीन भी बना सकते हो जैसे आप चाहो। तो पहले हम नारियल का पल्प ले लेंगे एक कटोरी, उसमें जितना हमारा आटा समाता जाएगा हम उतना आटा समाएंगे उसमें डालेंगे, और अंदाज से थोड़ा सा कम मीठा यानी आधी कटोरी के करीब खांड शुगर डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे, और इन सबको हम अच्छे से आटा गूंद लेंगे। आटा हमारा सख्त होना चाहिए, आप देखिए मैंने आटा कितना सख्त लिया है, बहुत ज़्यादा गीले आटे से अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें हमने शुगर डाली है। अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही तरीके से बेल लेंगे, अभी मैंने इसको प्लेट से कट नहीं किया है देखिए, इसलिए इसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिख रही है। आप इसको प्लेट से कट करेंगे तो एकदम गोल और अच्छे खाकरे बनेंगे, तो सेम उसी तरीके से आप पलटा लेंगे। बस इसको पलटाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये टूटने का डर रहता है, तो आप इसके ठीक से आप इसको अच्छे तरीके से दबा कर और कड़क कर ले, कटोरी की सहायता से भी आप दबा सकते हैं इसको। तो देखिए ये हमारे इस तरीके से नारियल की गिरी के मीठे वाले खाकरे भी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप नमकीन ही अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सारा हमारा मसाला डाल लें, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और सेंधा नमक, सब मसाला आप हमारा डाल लेंगे तो इससे नमकीन बन जाएंगे, बिल्कुल जैसे नमकीन नारियल के पराठे हम बनाएंगे या मटर के पराठे बनाते हैं वैसे ही हमें इसका मसाला आटा गूंथ लेना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे को जो भी हम इसमें ले रहे हैं हमको ज़्यादा अच्छा बारीक पीसा हुआ लेंगे तो हमारे खाकरे पतले बनेंगे, यदि इसमें बड़े कम रहेंगे तो हमारे खाकरे फट जाएंगे। बस इतना ही आपका ख्याल रखना है,
बाकी सबके प्रोसेस उनके आटा बनाने के सेम रहेंगे गूंथने के। तो देखिए इस तरीके से आप चटपटे खाकरे बनाइए और नाश्ते का आनंद लीजिए। घर में ही शुद्ध बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएंगे और शुद्धता की गारंटी रहती है, लेकिन बाज़ार के खाकरों में हमें पता नहीं रहता है कि उसमें कितनी शुद्धता है, और बासी तो वो रहते ही हैं। तो इस तरीके से हम फटाफट घर में गुजराती ढेर सारे खाकरे बना सकते हैं। यदि आपको खाकरा पिज़्ज़ा बनाना है तो भी आप इस पर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बस प्रोसेस सबकी सेम है। जिस तरीके से हमने इस पर पानीपुरी खाकरा मसाला डाला है, वैसे ही आप इसमें पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हैं। और आपको अगर पिज़्ज़ा वाला बनाना है तो जो हम पिज़्ज़ा बेस के लिए वेजिटेबल्स डालते हैं वो आप डाल सकते हैं। और यदि ऐसे ही कच्चा जो सलाद होता है वो सलाद बारीक चॉप किया हुआ आप इसके ऊपर डालेंगे और जीरामन डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये जो खाकरे आप इसको नाश्ते के साथ साथ भोजन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको पापड़ का काम करेगा, जब आपके पास पापड़ नहीं हो तो आप इस तरीके से खाकरे का प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही हमारा टेस्ट देगा, खाकरे की पापड़ की कमी को ये पूरा करेगा। ये चैनल एकमात्र जैन शुद्ध व्यंजन के लिए ही समर्पित है। आप हमारे इस वीडियो चैनल पर देख सकते हैं वीडियो जिसमें भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों की एक वीडियो बनाई है कि कौन से पदार्थ भक्ष्य और कौन से नहीं, तो आप उसे जरूर देखें। जैनागम के अनुसार बनने वाली शुद्ध व्यंजन विधि का मुक्त कंठ से प्रचार प्रसार करें, सभी साधर्मियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चरणा नियोग के अनुसार शुद्ध व्यंजन विधि बनाने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।